दोस्तों मेरे पास आया हुआ है ये एक टैबलेट, ओ सॉरी दोस्तों, मेरे पास आया हुआ है सैमसंग की तरफ से एक टैबलेट जो कि A7 लाइट है। एंड मैं बता सकता हूँ ये वाला जो टैबलेट है ये वन ऑफ द बेस्ट बट चीपेस्ट टैबलेट्स में आता है। बिकॉज इसका जो प्राइस पड़ता है ना गाइज वो लिटरली आप सबको शॉक कर देगा, बिकॉज ये 10,000 के अराउंड में इसका प्राइस रहता है। पेरेंट्स हैं और आप सब अपने बच्चे के लिए एक टैबलेट लेना चाहते हैं तो क्या आप सबके लिए ये टैबलेट बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो प्राइस पे आता है जिस ब्रांड के साथ आता है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। प्लस एज अ स्टूडेंट आप सबको ये जो A7 लाइट है आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए सब कुछ बताने वाला हूं आज के वीडियो में। और मैं देने वाला हूं पूरा इस टैबलेट का रिव्यू और बताऊंगा कि बेस्ट अफोर्डेबल टैबलेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, सब कुछ बताने वाला हूं आज के वीडियो में। मैं काफी ज्यादा अंदर से एक्साइटेड हूं। अब ना ज्यादा बात करते हो, मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं टेक टॉक चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी रिक्वेस्ट है, यहां एक रेड कलर का यार प्लीज दबाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, सब्सक्राइब करो, आप मेरी वीडियोस को जितना चाहो उतना शेयर करो। एनीवेज वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना। बाकी अब ना ज्यादा यहाँ पे बात करते हैं और इसी पावर एनर्जी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर अनबॉक्सिंग की बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पे अनबॉक्सिंग में आप सबको बड़ा बड़ा गैलेक्सी टैब देखने को मिलता है। जल्दी से इसको करते हैं ओपन। ओपन करने में सबसे पहले आप सबको यहाँ पे टैब देखने को मिलता है, दो मिनट के लिए मैं रखता हूँ इसको साइड में। और इसके बाद नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं जो मेरे लिए तो काफी ज्यादा यूजलेस है यार, कौन पढ़ता है आज की डेट में, बाकी साइड में रखते हैं। उसके नीचे आप सबको यहाँ पे देखने को मिलती है इसकी केबल जो कि USB टाइप A टू USB टाइप C देखने को मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे आप सबको इसमें 50 वॉट का एडाप्टर देखने को मिलता है। प्लस अगर मैं नीचे की बात करूँ तो आप सबको सिम इंजेक्टेड टूल देखने को मिलता है, खत्म बस। बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता है। और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टैब के ऊपर। सबसे पहले इसका जो कपड़ा है इसको मैं निकालता हूँ इसको। और फर्स्टली अगर मैं बताऊँ तो गाइस सीरियसली काफी मतलब हाथ में पकड़ने में फर्स्ट टाइम हैवी फील होता है कि मैंने एक हैवी चीज को उठा रखी है। बाकी अनबॉक्सिंग तो इतनी ही थी ये पूरी गैलेक्सी A7 लाइट की। अब आ जाते हैं अपने सबसे पहले रिव्यू के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं आप सबको बताना चाहूँ इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, बैक साइड और साइड में अगर बात करूँ पूरे का पूरा फुल मेटल बॉडी देखने को मिलता है। और तो मेटल के वैसे ऑफकोर्स सी बात है ड्यूरेबल तो होगा। प्लस आप सबको ये जो कलर देखने को मिलता है ये ग्रेइश कलर में आता है जो कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक भी इसको प्रोवाइड करता है। प्लस वेट की बात करूं तो हाँ वेट डिसेंट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा लाइट है और ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा हल्का है। मतलब अगर आप सब कोई कंटेंट को लैंडस्केप मोड में या ऐसे फ्लिप करके मूवी वूवीज देखोगे कंटेंट देखोगे तो आप सबको उतना ज्यादा फील नहीं होगा। बट हाँ थोड़ा सा अगर फोन से अगर आप स्विच करोगे टैबलेट में तो हाँ टू बी ऑनेस्ट फील होता है हल्का सा। टैबलेट आप सबको पता ही है पीछे की साइड सैमसंग की ब्रांडिंग और एक बॉक्सी सा कैमरा यहाँ पे देखने को मिलता है। और मेक श्योर फ्लैशलाइट नहीं दी हुई है, ये चीज ध्यान रखना। ऊपर की बात करूं तो हाँ ऑफ कोर्स ऊपर स्क्रीन इतनी बड़ी देखने को मिलती है, इसमें आप सबको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है। बट आपका भाई एक्सपीरियंस में बताएगा एक कवर ले लेना इस टाइप का जो कि आप सबके जो टैबलेट को ना सेफ रखेगा। और मैंने डेफिनेटली परचेस कर रखा है एक कवर, काफी ज्यादा सेफ बन जाता है अगर हाथों हाथ सिकेगा तो कुछ नहीं होगा। एनीवेज जल्दी से बात करूं अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की तो राइट हैंड साइड आप सबको यहां पे पावर ऑन ऑफ बटन, नीचे में वॉल्यूम रॉकर और नीचे में एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं एक टैबलेट को यूज करते टाइम मैं जो लगा कि जो पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा ऊपर है। मतलब अगर सिंगल हैंडेड जाना हो तो बहुत मुश्किल होता है, बट ठीक है थोड़ा सा ऊपर दे दिया हल्का नीचे कर सकते हैं। और ना लेफ्ट हैंड साइड आप सबको यहाँ पे ये ट्रे को निकालोगे तो हाँ ये वाला जो वेरियंट है ये वाईफाई वेरियंट है, नॉट सिम। सिम वाला आप सबको 1 या 1.5 हज़ार महंगा आप सबको देखने को मिलेगा, तो ये वाला वेरियंट मेरे पास वाईफाई वाला आया है। बात करूं ऊपर की तो ऊपर में आप सबको स्पीकर देखने को मिलता है। और नीचे की बात करूं तो नीचे में ऑफकोर्स स्पीकर माइक्रोफोन USB टाइप का पोर्ट एंड 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। और अगर मैं बात कर ही रहा हूं ऊपर की स्पीकर्स की तो देखो दोनों साइड स्पीकर है, तो मूवी कंटेंट देखोगे तो आप सबको एज एक तरह से स्टीरियो स्पीकर्स का काम भी करता है। प्लस अगर स्पीकर्स की क्वालिटी की बात करूँ तो अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ मैंने बहुत सारे कंटेंट देखे, लाउडनेस तो आप सबको डेफिनेटली बहुत अच्छी देखने को मिलती है। एनीवे सब कुछ रखो साइड में, अब आ जाते हैं हम इसके डिस्प्ले के ऊपर। तो डिस्प्ले में आप सबको यहाँ पे 8.7 इंचेस की एक TFT डिस्प्ले है। और देखो TFT है तो ऐसा आप जज मत करना कि यार बेकार होगी। देखो सैमसंग जो अपनी डिस्प्लेज बनाता है ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो डिस्प्ले वाइज मैं अगर अभी तक जितना मैंने यूज किया है इसको डिस्प्ले वाइज अगर मेरे को बताना हो काफी अच्छी आप सबको क्वालिटी देखने को मिलती है। और रेजोल्यूशन की बात करूं तो हाँ
HD से ऊपर और फुल HD तक से थोड़ा सा नीचे आप सबको यहाँ पे रेजोल्यूशन टाइप देखने को मिलता है। देखो जूम मीटिंग क्लासेस या मूवी वूवी देखनी है ना तो आप सबको गदर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्योंकि इसके कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, वाइब्रेंस, व्यूइंग एंगल में अगर मेरे को बताना हो सारी चीजें ठीक है, मतलब जिस प्राइस पे ये आता है बहुत तगड़ी आप सबको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बिंदास कह सकता हूँ 12,000 के अराउंड में मैंने बहुत सारे टैबलेट देखे हैं, बट इस टैबलेट की जो डिस्प्ले है वो कोई आप सबको और अदर टैबलेट्स नहीं देगा। एनीवेज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ A7 Lite की परफॉर्मेंस की, तो आप सबको इसमें यहाँ पे प्रोसेसर जो डाला हुआ है वो MediaTek का P22 प्रोसेसर है, और वेरियंट है ये है 3GB 32GB, ये सबसे ऊपर वाला वेरियंट मेरे पास आया हुआ है और इससे ऊपर नहीं आता, 3GB से ऊपर नहीं आप सबको मिलना यहाँ पे देखने को मिलता। प्लस अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल टोटल इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं लाइक ऐप ओपनिंग एंड डे टू डे यूज, तो मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ। मतलब ऐप ओपनिंग में देखो 3GB रैम है और एक बेसिक और मतलब एक इंटरमीडिएट लेवल का प्रोसेसर है इसमें, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं चलेंगी। आप सबकी बेसिक लेवल जैसे स्टडीज मटेरियल ये सारी चीज़ें एकदम मस्त मक्खन चलेगी। कभी कभी हल्का सा लैग फील होगा ऐप को ओपन करते टाइम जैसे आपकी ऐप की रिक्वायरमेंट, तो डे टू डे मैंने यूज कर रहा हूँ इसको पर्सनली। मेरे को पर्सनली बताना हो अगर एक ही वर्ड में तो हाँ, परफॉर्मेंस वाइज ऐसा आपको निराश नहीं करेगा, बट इतना भी हाई एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि ये एक बेसिक एंट्री लेवल टैबलेट है। गेमिंग सोच रहे हो इस टैबलेट में तो डिसेंट लेवल की गेमिंग कर सकते हो नॉर्मल। अब ये मत करना कि एपेक्स लेजेंड डाउनलोड करके खेल रहे हो फिर बोलोगे लैग कर रही है, भाई तूने गलत बताया, ये चीजें ध्यान रखना। अंदर में आप सबको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो सैमसंग का One UI है, और एंड्रॉइड की बात करूं तो एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, मे बी एंड्रॉइड 12 आ सकता है, अभी नॉट श्योर। एनीवेज अगर मेरे को बात करना हो इसके कैमरा की, तो देखो कैमरा बताना चाहूं तो बैक साइड आप सबको 8 MP का देखने को मिलता है, फ्रंट में आप सबको 2 MP की देखने को मिलती है। 8 MP की कैमरे की क्वालिटी की बात करूं तो डिसेंट है, मैं इतना ज्यादा इस कैमरे के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप सबको देखो डॉक्यूमेंट्स अगर स्कैन करना है तो वो आप सबको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फोटोज को नेचुरल लाइट में ठीक आ जाती है भाई, बाकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ग्रेन्स आ जाती है। वही फ्रंट में भी बात करूं तो फ्रंट में भी मैंने बहुत सारी खींची, ठीक ठाक से आप सबको फोटो दे देगा। प्लस यहाँ पे मैंने एक फ्रंट वीडियो रिकॉर्ड किया वो देख लो। ये वाली वीडियो अभी सैमसंग के A7 Lite से फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हुई है जो कि 2 MP का है, और आप सब फ्रंट कैमरे की क्वालिटी देख सकते हैं खुद भी, और खुद आप सब इजीली समझ सकते हैं कि कैसी रह सकती है इसकी क्वालिटी। तो गाइस ये तो गई बात, और कुछ थोड़े फीचर्स हैं कैमरा में, जैसे आप सबको पता ही है सैमसंग के यहाँ पे आप सबको फिल्टर इमोजीज देखने को मिलते हैं, मैंने उसको ट्राई किया था लाइव, मतलब ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट लेवल के लिए काफी ज्यादा मजेदार हो सकता है। मैंने खुद यहाँ पे वीडियो क्वालिटी भी चेक की थी इसके लिए, कैमरा से डिसेंट क्वालिटी है, उतना आप सब ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। एंड देखो इस टैबलेट में मैंने हल्के फुल्के ड्रॉइंग की है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आप सब इसको एज अ क्रिएटिविटी के लिए यूज कर सकते हो। तो गाइस बैटरी की बात करूं तो आप सबको इस टैबलेट A7 में 5100mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं बैटरी एक दिन चल जाती है अगर कंटिन्यूसली यूज करते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा निराश इसलिए हुआ क्योंकि इसकी बैटरी यार काफी जल्दी जा रही थी। अगर मैं ब्राइटनेस फुल करके कंटेंट देखू, मूवीज देखू या कोई काम भी करूं ना टैबलेट के, तो हाँ मेरे पर्सनली फील हुआ कि थोड़ी सी ज्यादा जल्दी यहाँ पे बैटरी जा रही थी। अब टैबलेट है तो यार एटलीस्ट 6000 या 7000 mAh देते तो मजा ही आ जाता, बट एनीवेज बैटरी का बस थोड़ी सी एक मेरे को इशू लगी, बाकी तो मेरे को मस्त डिस्प्ले, कलर, परफॉर्मेंस सारी चीजें मेरे को गदर लगी है जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ये। कंक्लूजन क्या निकलता है कि आप सबको इसको लेना चाहिए, क्या ये बेस्ट अफोर्डेबल टैबलेट है? जी हाँ गाइज, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आप सब एक ब्रांडेड कंपनी के साथ या एक ब्रांडेड टैबलेट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। जूम मीटिंग करनी है, मूवी देखनी है या कुछ भी करना है तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये चीज़ें प्रोवाइड करता है वो अदर टैबलेट आप सबको प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो ये चीज़ आप सब देख सकते हैं, और हाँ डिस्क्रिप्शन में मेरे इस टैबलेट की परचेस लिंक है, वहाँ से आप जाके इसकी पूरी प्राइस वाइज चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर ये वाली रिव्यू जो है ना अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ यार एंड तक बने रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर देना। हम मिलते हैं आप सबको ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ। ओके बाय।